हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे थायराइड की कि थायराइड के क्या लक्षण होते हैं और थायराइड होने पे हमें क्या टेस्ट कराने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें अगर थायराइड की, तो थायराइड एक पैंडेमिक की तरह हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है। हर किसी को आजकल थायराइड हो रहा है और धीरे धीरे ये समस्या बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें अगर इसके लक्षण दिखाई दें तो हमें तुरंत थायराइड के टेस्ट कराने चाहिए और इस बीमारी से निदान पाना चाहिए। तो थायराइड की समस्या होती क्यों? थायराइड एक हार्मोन होता है। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से, हार्मोन थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से या बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम हमें आती है। और वैसे तो ये समस्या पुरुषों और महिला दोनों में से किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये अधिकतर इसकी प्रभाविता देखी गई है कि महिलाओं में ये अधिक पाया जाता है। तो थायराइड के जो लक्षण हैं वो आज हम जानेंगे किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड का काम हमारी बॉडी में क्या क्या है। तो थायराइड का जो हमारे शरीर में काम है वो हमारे शरीर की आवश्यक जो गतिविधियाँ होती हैं उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। थायराइड जो होता है वो खाने को एनर्जी में बदलता है और हमारे शरीर में जो कैलोरी की जो खपत होती है उसे कंट्रोल में रखता है। तो अगर थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में जो कैलोरी की खपत होती है वो कंट्रोल में नहीं रहती है, जिसके कारण हमारा वज़न या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो थायराइड हमारे शरीर में टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, जो हमारे हार्ट की जो स्पीड है उसको भी मेंटेन रखता है। तो बहुत सारे काम है जो थायराइड हमारे शरीर में करता है। तो थायराइड होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट होता है, हमारा स्टमक अफेक्ट होता है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे नॉर्मल से सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद हमें थायराइड हो गया है। तो हमें सिम्टम्स पता चलते ही जो भी हमारे आसपास पैथोलॉजी की लैब्स वगैरह हैं वहाँ जाके टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो सबसे पहला सिम्टम होता है इसका वज़न अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाना। अगर आपका एक दो महीने में ही 3-4-5 किलो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अचानक से या फिर बहुत ज़्यादा कम होने लग गया है तो हो सकता है आपको थायराइड हो। और उसके अलावा जो दूसरा सिम्टम है वो ये है कि बहुत अधिक मात्रा में बालों का झड़ना या बालों का पतला होना, क्योंकि थायराइड हमारे शरीर में जो बालों की ग्रोथ है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। तो थायराइड इम्बैलेंस होने की वजह से बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तीसरा सिम्टम है बहुत ज़्यादा थकान होना। थकान वैसे तो काम करने के बाद लेडीज़ लोगों को थकान वैसे नॉर्मली हो जाती है, इसमें कोई वैसे बात नहीं है, लेकिन ऐसा होना कि आप रात में बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आपने दी है प्रॉपरली है फिर भी आपको सुबह उठ के बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, रेस्ट करने के बाद भी आपको टायर्डनेस लग रही है, तो हो सकता है आपको थायराइड हो। तो आपको इसका चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। कब्ज़ की शिकायत होना कि पहले आपको कब्ज़ नहीं रहती थी अचानक आपको कब्ज़ होने लग गई है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अगर आपको कोई भी 2 से 3 सिम्टम्स हैं तो आप ज़रूर जाके अपना टेस्ट ज़रूर कराइएगा। साथ ही महिलाओं में मेंस्ट्रुएशनल जो साइकिल होती है जिसका टाइम पीरियड 28 से 30 डेज का होता है, उसका अचानक से इरेगुलर हो जाना, ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो रही है या स्किप हो जा रहे हैं पीरियड्स, तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव सिम्टम होता है थायराइड का। और साथ ही चेहरे पे या शरीर में अधिक मात्रा में सूजन आ जाना, स्वेलिंग होना आपका किसी भी एरिया में ज़्यादा होना, तो ये भी थायराइड का सिम्टम होता है। आपको ठंड अधिक लगना या फिर ठंड आपसे सहन ना हो रही हो, तो थायराइड में ठंड ज़्यादा मात्रा में लगती है और सहन भी नहीं हो पाती है, तो ये भी थायराइड का एक सिम्टम है। उसी के साथ अगला सिम्टम जो है वो है स्किन का बहुत ज़्यादा ड्राई होना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो थायराइड में अक्सर देखे गए हैं कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस या वेट गेन होना, कब्ज़ की शिकायत होना, बहुत ज़्यादा थकान रहना, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का इरेगुलर होना। तो इनमें से अगर कुछ भी आपको सिम्टम्स अगर लगते हैं तो आपको थायराइड का ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि थायराइड का अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो ये चीज़ें आपको और आपके शरीर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। थायराइड का लेट पत्ता चलने की वजह से आपके शरीर में थायराइड ज़्यादा हो जाएगा, या मतलब उससे होने वाली प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी और आपको लेट पता चलेगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए जैसे ही आपको पता चले तो आप लैब में जाके T3, T4 और TSH, ये जो थायराइड के टेस्ट होते हैं, ये तीनों टेस्ट ज़रूर कराइएगा।
अगर TSH आपका 6 या 7 से ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको थायराइड हो गया है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी दवाई लीजिएगा। थायराइड का अभी तक जो इलाज है वो ऐसा कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। हो सकता है आपको लाइफ टाइम इसकी दवाई लेनी पड़े, क्योंकि इसकी जो दवाई है वो एक सुबह खाली पेट लेनी पड़ती है, और इसका कोई परमानेंट इलाज अभी तक नहीं मिला है। इसलिए जितना हो सके थायराइड से बचें, और अगर हो गया है तो इसका जल्द से जल्द पता लगाकर इसको इस समस्या का क्योर करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक भी करें। धन्यवाद।